बालू खनन माफिया का बढ़ रहा है आतंक। बालू खनन माफिया गुड्डू यादव बायपुर से डाल रहा है बालू। बालू से ओवरलोड लदे ट्रैक्टर दिन रात दौड़ते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए बीटीबी कटवा कर लाते हैं। ये बड़ी खबर एतमादपुर से मिल रही है, जहां बालू खनन माफिया गुड्डू यादव बायपुर से एतमादपुर क्षेत्र में बालू डाल रहा है। जब एतमादपुर नगर के लोगों द्वारा बताया गया कि एतमादपुर कस्बे में होकर बालू से ओवरलोड लदे ट्रैक्टर दिन रात रोड़ते रहते हैं, जब खबर एक्सपर्ट द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया तो जांच पड़ताल में पता चला कि ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा 6000 और 5000 की ट्रॉली जो कोई भी मकान बनवाता है तो उसके यहाँ क्षेत्र में बालू डाली जाती है। ड्राइवर द्वारा ये भी बताया गया कि हमारे मालिक द्वारा अधिकारियों से बात हो चुकी है, हम रेलवे स्टेशन के लिए बीटी कटवा कर लाते हैं, कोई रोकता है तो उसे दिखा देते हैं, मगर रास्ते में कोई मांगता है तो हम प्राइवेट बेच भी देते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बायपुर के। क्या लेकर जा रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा, कहाँ से लेके आए हो? बायपुर से। कितना माल है इसमें? कैसे जा रही है? क्या रुपए ठेली डाल रहे हो? 5000 की, 4000 की, 6000 की, जैसे बन जाते ऐसे डाल रहे हो। कहाँ कहाँ डाल तो? जहाँ ऑर्डर मिले थे। अच्छा अच्छा, जहाँ को रास्ता मिले वहीं डाल देंगे। नहीं तो अच्छा, जैसे कोई मान लो मकानों को खुलवा रहा हो वहाँ खिला देंगे।